नमस्कार, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। दोस्तों, यदि आपकी वृश्चिक राशि है तो सावधान हो जाइए, आपके जीवन का सबसे अच्छा समय, सबसे बेस्ट जो टाइम है वह शुरू हो चुका है, क्योंकि 5 नवंबर से बृहस्पति देव आपके दूसरे स्थान में धनु राशि में गोचर वश भ्रमण कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, 24 जनवरी 2020 को आपकी राशि से 7.5 ही समाप्त हो जाएगी। 7.5 साल का जो समय कष्ट पूर्वक बीता, मानसिक दबाव में आप थे, टेंशन में थे, तनाव में थे, व्यापारिक समस्याएं आपको हो रही थी, बहुत सारी चीजें थी, और खासकर उन लोगों को जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो 7.5 ही आपकी राशि से समाप्त हो जाएगी 24 जनवरी 2020 को। 5 नवंबर को बृहस्पति आपके शुभ स्थान में आ चुके हैं। बहुत कुछ है इस वीडियो में आपके जानने के लिए, क्या योजनाएं आपको बनानी चाहिए, कहां कहां से आप फायदा ले सकते हैं और क्या उपाय आपको करने चाहिए, बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए और राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमारे कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपकी वृश्चिक राशि है, आपका वृश्चिक लगन है, तो मित्रों 7.5 ही तो आपकी 24 जनवरी को समाप्त हो ही जाएगी। सोने पे सुहागा तो उस समय के बाद ही होगा, यानी 24 जनवरी के बाद तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। 5 नवंबर को बृहस्पति देव जब से धनु राशि में आए, तो मित्रों पूरा साल यहीं पर रहेंगे, आपको कुटुंब से सहयोग मिलेगा। यदि आप अपने व्यापार को विस्तार देना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसमें सबसे बेहतर बात यह है कि पैसे का भी और भावनात्मक सहयोग आपको आपके परिवार से मिलने वाला है, इसलिए परिवार के साथ मधुर व्यवहार बनाए रखें। शास्त्र कहता है जब बृहस्पति दूसरे स्थान में जाते हैं, स्ववाचा कर्मणा, ऐसे व्यक्ति की वाणी सिद्ध हो जाती है। यदि आप यंत्र मंत्र तंत्र पांडित्य ज्योतिष या भागवत आचार्य हैं, इस क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, तो आपकी वाणी में अपूर्व बल आ जाएगा, ताकत आ जाएगी। चाहे आप आम आदमी यानी कि धर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं भी हैं, तो भी आपकी वाणी में ताकत आ जाएगी, आपका उत्साह बढ़ेगा। इस टाइम में आपको बहुत सारे धन की प्राप्ति होगी, आप धन को इकट्ठा करने में, धन का संचय करने में कामयाब हो जाओगे। मित्रों, उपाय के लिए आप एक तो अच्छा श्रीलंका का पुखराज रत्न धारण करें, तो इस फायदे को आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। पूर्णमासी का व्रत करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर इस साल में रहने वाला है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप अब जो प्रकृति से आपको मिल रहा है, जो फायदा आपको मिलने वाला है, यदि उसको आप बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो पूरा साल पूर्णमासी के व्रत कीजिएगा, और हो सके तो पूर्णमासी के दिन गंगा स्नान का भी आप प्रोग्राम बनाएं। भगवान नारायण, ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र का नियमित रूप से अधिक जप करें, खासकर बृहस्पतिवार को और पूर्णमासी को। पूर्णमासी को और बृहस्पतिवार को पीले रंग के वस्त्र, पीले भोजन का दान करना भी आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। योजनाएं आपको क्या बनानी है मैं बताता हूँ। आप अपने काम को विस्तार दे दीजिएगा, बेफिक्र विस्तार दे दीजिएगा। यदि आपकी जन्मपत्री में बृहस्पति की स्थिति थोड़ी सी भी ठीक है, तो आपको किसी प्रकार के व्यापार में घाटा आ ही नहीं सकता। 13 महीने आपके लिए प्रकृति आपकी सहायता करने के लिए खड़ी है। मित्रों, कुटुंब से धन लेकर के, मित्रों से सहयोग लेकर के, क्योंकि बृहस्पति आपके 6, 8 और 10 स्थान को, कर्म स्थान को भी देखेंगे, तो आप अपना काम बढ़ा सकते हैं। ऋण रोग शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा और गुप्त धन की प्राप्ति होने के पूरे पूरे योग हैं। तो अभी से आप उपाय प्रारंभ कर दीजिए और योजना बना करके अपने काम पर आगे बढ़ जाइए। यदि आप सोते रह गए, योजनाएं नहीं बनाई, विचार नहीं किया, चिंतन मनन मंथन नहीं किया, तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा फायदा ना हो। तो इसलिए दोस्तों, बृहस्पति आपके द्वितीय स्थान में है, 7.5 आपकी समाप्त होने वाली है। हाँ, एक बात और कहूँगा, जाते जाते 7.5 आपको टेंशन दे करके जा सकती है, आपके बहुत सारे संबंधों को खराब करके जा सकती है, तो अपने आप पर नियंत्रण बनाए रखें, खासकर 24 जनवरी 2020 तक, उसके बाद में टाइम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, मैं कामना करता हूँ। जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी।